Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो dear friends, मैं आज लेके आया हूँ जो कि अभी अभी हाल ही में जो कतार में फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हुआ है उन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि वर्ल्ड कप की अवार्ड्स के ऊपर. ओके, तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माई न्यू नोटिफिकेशन. और तो देखते हैं जो कि अवार्ड्स के ऊपर, फटाफट नोट्स कर लो डियर फ्रेंड्स. Which country owns the FIFA World Cup 2020? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, आप लोग को अच्छे से पता है. अर्जेंटीना ने विन किए हैं जो कि फ्रांस को बीट करती. ओके, तो टॉप फोर टीम्स रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो अर्जेंटीना फर्स्ट, जो कि फर्स्ट पोजीशन में विनर है इस साल का, और फ्रांस जो कि सेकंड पोजीशन में आ रहा है, और थर्ड पोजीशन में आ रहा है क्रोटिया, याद रखो, और फोर्थ पोजीशन में जो कि मोरक्को. बाकी वर्ल्ड के जो टॉप फोर टीम रैंकिंग के ऊपर, तो नेक्स्ट देखो अवार्ड्स के ऊपर, जो कि गोल्डन बूट अवार्ड्स मिला है जो कि केलियन एम्बेपे, जो कि फ्रांस से बिलोंग्स करते हैं 8 गोल्स करके. नेक्स्ट देखो गोल्डन बॉल अवार्ड्स, जो कि मेसी अर्जेंटीना से 7 गोल्स एंड रजिस्टरिंग 3 असिस्ट. नेक्स्ट देखो गोल्डन ग्लोव अवार्ड, जो कि एमिलिनो मार्टिन्स है, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग्स करते हैं. नेक्स्ट फीफा यंग प्लेयर्स अवार्ड, जो कि एंजो फर्नांडेस, याद करो फटाफट आप लोग, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नेक्स्ट देखो फीफा फेयर प्ले अवार्ड, जो कि इंग्लैंड को मिला है. ओके, नेक्स्ट सिल्वर बूट अवार्ड, जो कि मेसी, आप लोग को मेसी के बारे में तो बहुत मतलब पता है आप लोग को. नेक्स्ट देखो ब्रॉन्ज बूट अवार्ड, जो कि ओलिवर गेरोड, जो कि फ्रांस से बिलोंग्स करते हैं. सिल्वर बॉल अवार्ड केलियन एम्बेपे. नेक्स्ट देखो ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड, जो कि लुका मोड्रिक क्रोटिया. ये है उसका कंप्लीट नोट्स है, जो कि इस साल का फीफा वर्ल्ड कप के अवार्ड्स के ऊपर ये मैंने डिस्कस किया. तो आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग फटाफट नोट्स कर लो, और जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है वहाँ आप लोग जुड़ जाओ, मैं इसी तरह आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.